तो जैसा कि आपको पता है, मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी में पेज खाली रहने पर कितना नंबर कट रहा है? अगर आपका भी एग्जाम में कॉपी के पेज खाली छूट गए हैं तो आपका कितना नंबर कटेगा और आपको कितना नंबर मिलेगा, इस वीडियो में बताऊंगा। और आपके कॉपी के बीच के गलती से एक दो पेज खाली छूट गए हैं, मतलब आपने शुरुआत के दो चार पेज लिखे हैं और फिर गलती से एक पेज पलटने की जगह पे एक की जगह पे दो पेज पलट दिए हैं और फिर बहुत सारे आंसर लेके आए, तो ऐसे में बीच के एक पेज आपके खाली छूट गए हैं। तो एक दो पेज जो बीच में खाली छूटे हैं उसके बाद जो आंसर लिखे हैं तो वो चेक होगा कि नहीं होगा, उसका नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आपके कॉपी के लास्ट में बहुत सारे पेज सदा रह गए हैं, खाली छूट गए हैं, तो आपका कितना नंबर कटवाएंगे, कहीं आप फेल तो नहीं ना हो जाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन पेपर के बहुत से क्वेश्चन छोड़ कर आए हैं, मतलब कॉपी के चार पांच पेज ही भर के आए हैं, बहुत से पेज खाली छूट गए हैं, सदा रह गया है, यानी कि क्वेश्चन पेपर के बहुत से क्वेश्चन खाली छूट गए हैं, तो ऐसे में आपका कितना नंबर कट हो रहे हैं और कितना नंबर मिल रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और कॉपी चेकिंग के दौरान फेल किस किस विद्यार्थी को किए जा रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। कहीं आपको भी तो फेल नहीं ना किए जा रहे हैं, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, कॉपी चेकिंग प्रोसेस नया नियम लागू किया गया है। कॉपी चेक करने से पहले सभी टीचर को बोर्ड ऑफिस से नोटिस दिया गया है, आदेश दिया गया है कि जब भी बच्चे की कॉपी चेक करें तो कॉपी के सभी पेज पलट पलट कर देखें। मतलब अगर आपके कॉपी में 28 पेज है या 32 पेज है तो उन सभी 28 पेज को पलट पलट कर देखने होंगे। अब जिस पेज में बच्चे ने आंसर लिखा है, मतलब आपने जहां जहां आंसर लिखे हैं, जिस पेज में आंसर लिखे हैं तो उसे चेक किया जाएगा। और जिस पेज में आंसर नहीं लिखे हैं, मतलब जो पेज सादा है, खाली है, तो उसे लाल पेन से ऐसे क्रॉस लगा दिया जाएगा। तो इससे तो ये पता चल गया कि बीच के दो पेज या तीन पेज जो छूट जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉपी चेकिंग के दौरान सभी पेज पलट पलट कर देखा जाता है और जहां जहां आंसर लिखे रहते हैं उसको चेक किया जाता है। अब बात करते हैं, अगर आप कॉपी के पूरा पेज नहीं भर पाए, मतलब बहुत से पेज खाली छूट गए हैं, तो कितना नंबर कट होगा, तो चलिए जानते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन के आंसर देने कहा गया था, जैसे हम आपको स्क्रीन पे यहां पे दिखा रहे हैं, ठीक है, यहां पे आप देखिए 1 से 20 प्रश्न में से किन्हीं 10 प्रश्न का उत्तर देने कहा गया है, और यहां पे देखिए 100 से 120 वर्ड में आंसर देने कहा गया है, 40 से 50 वर्ड में आंसर देने कहा गया है। तो अगर आप ये सभी लिमिटेड को फॉलो किए हैं तो एग्जाम की कॉपी में आपका पूरा पेज भर ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं है भाई। मतलब अगर आप इस लिमिटेड को पूरा किए हैं और करने के बाद भी कॉपी के पेज खाली रह जाते हैं, छूट जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से सुनिए, तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन के आंसर देने कहा गया था और क्वेश्चन के आंसर जितने शब्दों में देने के लिए कहा गया था और आपने दिए हैं, और देने के बाद भी कॉपी के पेज बहुत सारे खाली छूट गए हैं, सदा रह गया है, तो भाई इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। मतलब अगर आपका आंसर टू द पॉइंट वाइज है, यानी आप कॉपी में आंसर सही तरीके से, सही ढंग से कॉपी लिखे हैं, सही आंसर लिखे हैं, तो आपका नंबर नहीं कट होंगे, क्योंकि एग्जाम की कॉपी चेकिंग में आपके आंसर की क्वालिटी देखी जाती है, कॉपी लिखने का सही तरीका, सही ढंग देखा जाता है, आंसर लिखने की शैली देखी जाती है, उत्तरों की गुणवत्ता देखी जाती है, भाई क्वालिटी देखी जाती है, या नहीं देखा जाता है कि आपने पूरा पेज भरे हैं या नहीं। अब बात करते हैं, अगर आपके कॉपी के चार पांच पेज ही भरे हैं तो कितना नंबर कटेगा। तो देखिए, उन चार पांच पेज जो आप लिखे हैं कॉपी के, उन चार पांच पेज में जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, अगर आप सही दिए हैं, सही आंसर लिखे हैं, तो जो क्वेश्चन जितने नंबर का होगा उतने नंबर तो आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि आपने चार पांच पेज में मात्र 7 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, ठीक है, चार पांच पेज आप लिखे हैं कॉपी में, टोटल 7 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, और ये 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 अंक का है, 2 नंबर का है, और आपने सही आंसर भी लिखे हैं, तो ऐसे में आपको 13-14 नंबर दे दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं, तो हो सकता है आपका कॉपी मेरे पास आ जाए, तो इसके लिए हम कैसे पहचानेंगे कि आपका ही कॉपी मेरे पास आया है, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम, रोल नंबर और आपको कितने नंबर चाहिए ये लिख दीजिए, ताकि आपका कॉपी मेरे पास आए तो हम पहचान सकें कि हाँ, ये बच्चा मेरा बच्चा है।
कॉपी मेरे पास आया है और हम आपको बढ़िया अच्छा खासा नंबर देके पास कर सकें। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती किया है, सब्सक्राइब करके हमसे दोस्ती करना ना भूलें। जो जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे वही हमसे दोस्ती कर पाएंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए, मतलब हमसे दोस्ती कीजिए के बराबर है। तो फटाफट सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन करके रखिए, ठीक है।